सो हे गाइस, तो स्वागत है आपका आज की एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट चीपेस्ट 5G फोन्स के बारे में। एंड ऐसा नहीं है कि ये 5G आईफोन्स हैं, मैं पहली बात बता दूं आपको, आईफोन्स के बारे में बात करेंगे। एंड ये दोनों ही फोन्स आपको 25,000 रुपीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड अगर इनकी पावर की मैं बात करूँ तो गाइज आप समझ लो, अगर आप इन पर फैन यूज़ करोगे तो BGMI एंड PUBG आपको कॉन्स्टेंटली 60 FPS पे देखने को मिलेंगे। चाहे आपके पास कितने ही बंदे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इससे इनकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखूँगा, सीधे सीधे बात करूँगा फ़ोन के बारे में। तो नंबर 2 पे जो डिवाइस आता है गाइज वो है अपना आईफोन 12 मिनी। एंड ये फ़ोन गाइज मैंने नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि नंबर 1 पे इससे भी ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है। एंड ये जो गाइज मैं नंबर 1-2 कर रहा हूँ ये पावर बेस्ड है, पावर के हिसाब से मैंने नंबर 1-2 रखा है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा। पहले नंबर 2 के बारे में बात करते हैं जो कि होने वाला है अपना आईफोन 12 मिनी। एंड गाइज अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो आपको 5.4 इंचेस की XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, 625 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है एंड 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। ठीक है, ओवरऑल डिस्प्ले एकदम एक्सीलेंट है इसका। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है इसके अंदर आपको, जो कि 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। कैमरास की अगर मैं बात करूं तो 12+12 मेगापिक्सल का आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 4K पे आप 60 FPS, 30 FPS, 25 FPS तक की रिकॉर्डिंग आराम से आप कर सकते हो। सेल्फी की मैं बात करूं तो 12 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है, जिससे सेम गाइस आप 4K पे 60 FPS, 30 FPS, 24 FPS तक की रिकॉर्डिंग आप ईजिली कर सकते हो। एंड कैमरा वाइज तो गाइज काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट फ़ोन होने वाला है, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है गाइज, क्योंकि कैमरा वाइज तो खतरनाक फ़ोन है। तो कैमरा वाइज में गाइज इस फ़ोन में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 2227 mAh की बैटरी है। तो ओवरऑल गाइज इसका जो बैटरी बैकअप है आपको वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ छोटे डिस्प्ले है तो आराम से आपको अच्छी खासी बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। लाइक अगर आप BGMI PUBG खेलते हो तो 2.5 से 3 घंटे की गेमिंग आप इस पर ईजिली कर पाओगे, आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2.5 से 3 घंटे आप आराम से खेल लोगे। एंड सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ तो गाइज अभी लेटेस्ट अपडेट चल रहा है सॉफ्टवेयर का, iOS 17.3 का अपडेट चल रहा है इस पर। एंड अगले कुछ अपडेट और इस पर मिलने वाले हैं आपको, तो अपडेट्स के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब गाइज बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि हीटिंग इशू कैसा है, FPS कैसे हैं। तो अगर मैं बात करूँ गाइज हीटिंग इशू उस फ़ोन के अंदर आईफोन 12 के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है एंड आईफोन 11 के मुकाबले भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाइज इसके अंदर आपको बॉडी बहुत छोटी देखने को मिलती है, जिससे कि हीट इसकी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती बॉडी पे, मतलब बॉडी पे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बट फिर भी हीटिंग बच जाती है। तो उसके लिए गाइज आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको फ़ैन यूज़ करना पड़ेगा। फ़ैन यूज़ करने के बाद आपको ये कॉन्स्टेंटली 59-60 FPS प्रोवाइड करेगा, चाहे हॉट ड्रॉप पे हो चाहे कहीं पे भी आप खेल रहे हो, आपको इसके FPS में किसी भी टाइप का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा फ़ैन यूज़ करने के बाद। तो मैं कह सकता हूँ कि गाइज ये वन ऑफ द बेस्ट एंड पावरफुल आईफोन आप कह सकते हो 2024 में, आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग को लेके, कि इसकी प्राइसिंग क्या है। अभी सेकेंड हैंड अगर मार्केट में हम देखें तो इसकी प्राइसिंग फिक्स नहीं है, अगर मैं कंडीशन वाइज भी देखूं तो कहीं कहीं पे आपको 20,000 में भी अवेलेबल हो जाता है, कहीं कहीं आपको 22-23-24-25 ऐसे अवेलेबल रहते हैं। बट अगर मैं एक एक्चुअल प्राइस या फिर एक एवरेज प्राइस पकड़ के चलूँ पूरे दिल्ली के मार्केट में, तो ये आपको 20,000 रुपये से लेके 24,000 रुपये के बीच में देखने को मिलता है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा गाइस, कि सेकेंड हैंड फ़ोन की ही बात हो रही है, नए में आपको नहीं मिलेगा ये फ़ोन इतने में, नए में आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि नया लेने का फ़ायदा नहीं है, सेकेंड हैंड लोगे तो आपको बेस्ट कंडीशन में आराम से आपको 23-24 हज़ार रुपये के फ़ोन मिल जाएंगे, 23-24 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाएंगे। ओवरऑल गाइज इससे भी एक अगला फ़ोन है जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है एंड इससे भी ज़्यादा सस्ता है, तो उसको भी सुन लेना एक बार। ओवरऑल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से कोई सा भी फ़ोन परचेज करोगे तो आपको किसी भी टाइप का रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दोनों ही 5G फ़ोन है एंड दोनों के ही अंदर आपको ऐसे प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं जो कि अगले 5 से 6 साल तक आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं देने वाले। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इनमें से आप कोई सा भी फ़ोन परचेज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं गाइज अपने नंबर 1 के डिवाइस के बारे में। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस के बारे में तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइस है 2024 के अंदर। एंड प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये 16,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में कंडीशन वाइज मिल जाता है। ठीक है,
एंड प्रोसेसर मैं बताऊँ तो गाइज़ इसके अंदर आपको A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है। एंड फ़ोन की मैं बात करूँ तो गाइज़ ये आईफोन SE 2022 वाला फ़ोन है। एंड अगर मैं बात करूँ गाइज़ इस फ़ोन की लाइफ की कि अगर आज के रेट में आप इस फ़ोन को परचेज करते हो तो अगले 6 साल तक आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज ऑफ गाइज A15 बायोनिक चिप अपने टाइम से वे अहेड है। ठीक है, मीन्स गाइज इसको अगर आप आज परचेज करते हो तो अगले 6 साल तक आपको बैटरी के अलावा एक और किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे परफॉर्मेंस को आप देख लो। ओवरऑल कैमराज की मैं बात करूँ तो गाइज इसके अंदर सिंगल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, जिससे गाइज आप 4K पे 60fps की रिकॉर्डिंग आप आराम से बैक साइड से कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको कैमराज में भी दिक्कत नहीं आएगी, वैसे iOS के कैमराज एकदम खतरनाक होते हैं। तो मैं बात करता हूँ इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको इसके अंदर 4.7 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, IPS LCD है एंड 625 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है। एंड गाइज आपको टच ID के साथ ये फ़ोन देखने को मिलता है। सबसे मेन चीज़ है गाइज कि ये फ़ोन के साथ साथ आप इसको हाफ iPad भी बोल सकते हो, क्योंकि iPad व्यू भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गाइज आपको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एडवांटेजेस मिलते हैं। लाइक अगर आप iPad व्यू पे खेलते हो तो जो लोग iPad के बारे में जानते हैं, iPad व्यू के बारे में, उनको पता है कि BGMI PUBG के अंदर आपको इस फ़ोन के क्या एडवांटेजेस देखने को मिलने वाले हैं। ओवरऑल मैं बात करूँ परफॉर्मेंस वाइज तो गाइज A15 बायोनिक चिप देखने को मिलती है इसके अंदर। एंड मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि A15 बायोनिक चिप कितना पावरफुल है। A15 बायोनिक चिप 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ओवरऑल मैं बताऊँ तो ये इतना पावरफुल है कि BGMI को कॉन्स्टेंटली 90fps पे रन करने की पावर रखता है। एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में आप इजीली देख सकते हो ये फ़ोन BGMI PUBG को 90fps पे रन करता है, काफ़ी सारे स्ट्रीमर खेलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि गाइस प्रोसेसर कितना पावरफुल है A15 बायोनिक चिप, क्योंकि आईफोन 13 सीरीज के अंदर ये आपको चिप देखने को मिलती है। एंड ये आपको यही चिप आपको 18,000 से लेकर 20,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। ठीक है, बैटरी की मैं बात करूँ तो 2018 mAh की बैटरी है एंड 20W का आपको चार्जर सपोर्ट देखने को मिलता है। कैमराज की मैं बात करूँ तो 12MP का आपको बैक साइड में कैमरा में देखने को मिलता है, 4K 60fps तक की रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एंड आपको 7MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जिसपे आप 1080p पे 30fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओवरऑल गाइज दोनों ही फ़ोन 5G हैं। एंड लास्टली गाइज मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि इन दोनों में से आप कोई सा भी फ़ोन परचेज कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही फ़ोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड दोनों ही फ़ोन गाइज अगले आपको 5 साल तक कोई भी दिक्कत नहीं देने वाले हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जो वो फ़ोन आपके लिए सूटेबल है, आप उस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। तो खैर गाइज यही थी मेरी आज की कुछ वीडियो। तो मिलता है आपको एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।